संतों का चरण बंद किया। देखती हूँ बड़ी प्रभावशाली महात्मा दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, और ऐसा तेज ऐसे प्रेम जल्दी जिंदगी में देखने को नहीं मिलते। ऐसे संत पहली बार देख रहे हैं, चेहरे पे देखो ना कितना तेज है। भावुक संत है ऐसे तो हमने सुना था केवल कि चेतन महाप्रभु का ऐसा रूप रहता था, है ना। तो क्यों ना सब लोग जी का हमारा मन है, हमारा क्या मन है अपने प्रसाद पाले सबके लिए। महाराज जी जय सीता। गोरी का धन्यवाद है, इन नेत्रों का, इस मानव शरीर का लगता है मुझे लाभ आज प्राप्त हो रहा है। महाराज जी आनंदपुर से ही ना? महाराज जी यही गाँव में निवास लगी ही है। आप किसके पास? किशोर जी की कृपा से। महाराज जी आज न जाने मेरे किस जन्म का कौन सा पुण्योदय हुआ है जो आप जैसे महापुरुष का दर्शन हो रहा है। कुछ चरणों प्रार्थना थी आज राजकोट दास की कुटिया पे किशोर जी का प्रसाद ग्रहण किया जाए। प्रसाद? हाँ महाराज जी। तो भाई ऐसा है कि अपन अपने राम के तहत ठहरे, महात्मा तो है नहीं, महात्मा ये लोग हैं, अगर ये लोग जाना चाहे तो बोले जाए। महाराज जी इन सबको तो चलना ही है और सरकार आपको भी चलना है। हम भाई महात्मा नहीं है, हम गृहस्थ है महाराज, और अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं। महाराज जी हम दोनों ने पहले देख लिया आप क्या है, कुछ लग रहा है महाराज जी आज हमारे पुण्य उदय हो गए। महाराज जी कृपा करिए, आपको तो महाराज जी चलना ही चलना है। और जैसे किशोर जी कृपा होगी अच्छी तरह से जो जो आज्ञा हो महाराज जी सब कुछ तैयार किया जाएगा। वैसे मिठाइयों में जो भी चाहे कच्चा पक्का जो पसंद करे महाराज जी बात जो भी। वैसे ये जो है किशोर जी की कृपा से जो है फैनी और खेवर भी बड़ा अच्छा बनाती है महाराज जी, किशोर जी रोज भोग लगता है। लड़लियो जैसी आपकी इच्छा। क्या पाएंगे रामायण रामायण जी क्या तो पानी की इच्छा है? बनाने और बनाने वाले तो आती है रामायण जी सर, तो बताइए जैसा किसी व्यक्ति ने कहा आप क्या पाना चाहेंगे? हाँ पंडित जी महाराज मिथिला में तो सबसे बड़ी महिमा दही चूड़ा की, सबसे पहले तो दही चूड़ा का ही ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए, वही प्रसाद संत पाए। यही अमर वासी है, अमर वासी बस केवल इतना ही खाना जानते हैं। किसी भी भिखारी को बहुमूल्य रत्नों के ढेर में खड़ा कर दिया जाए, कह दिया जाए कि ले लो जितना लेना हो तो उसके फटी झोली में जितना आएगा उतने बेचारा डालता है क्यों? आप यह जो दृश्य देख रहे हैं ऐसे आज भी हालात में हजारों लड़ते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता
मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसो के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान निपुण के भागीदार। पराई जाने रे वैष्णव।